हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में जो विज्ञान का जो एक हिस्सा भौतिक विज्ञान वाला आपके पास है उसमें विद्युत वाले चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कल हमने बातचीत की थी विद्युत वाले पार्ट में, हमने जो कुछ बात की थी वो ये थी कि हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, जैसे आवेश, इसी तरह से उसके बाद हमने बात की थी विद्युत धारा, इसी से जुड़ा हुआ जो हमने बात किया था, अगला जो शब्द हमने यूज किया था वो यूज किया था परिपथ या सर्किट। और थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ गए थे कि परिपथ के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, क्या क्या उसके जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी परिपथ को बनाने के लिए, उसकी बात की थी। और इसी में हम आगे बढ़ गए थे प्रतिरोध तक, कि हमें थोड़ा सा हमने आइडिया आपको प्रतिरोध का भी दिया था, जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे थे। तो यहाँ तक हमने कल कुछ किया था, जहां पर आवेश की जो बात आई थी वो ये थी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश था। इसी तरह से हमने विद्युत धारा की बात की थी, तो वो जो आया था वो आया था क्यू बराबर सॉरी आई बराबर क्यू बटे टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी तरह से हमने परिपथ, एक जनरल परिपथ में कुछ कंपोनेंट की बात की थी कि एक परिपथ जो होता है वो उसमें कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ पावर होना चाहिए और उसमें कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसमें कोई की होनी चाहिए। इस तरह से उसमें और भी कंपोनेंट हो सकते हैं जहाँ पर हम वोल्टेज मेजर करेंगे। इस तरह से हमने एक सर्किट की बात की थी जिसमें करंट जरूर होना चाहिए, तभी जाके वो एक सर्किट की हम कल्पना कर सकते हैं। और इसी में हमने आगे जब बात की थी कि किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है, आई जब फ्लो करता है, तो उस करंट के फ्लो को एक जो चालक है वो उसका प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब है कि उसको अपोज करता है। तो जो अपोज करता है जो कारण, उसका नाम प्रतिरोध था। तो यही चीज हमने आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसको कंटिन्यू करने से हमको अब ये डिटेल में पता करना है कि आखिर किसी भी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या क्या हमें बताने की कोशिश करती हैं, यानी वो हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले तो एक जब चालक है तो हमें पता चल गया कि चालक में हमारे पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, चार्जेस होंगे, और वो जो चार्जेस होंगे तो वो फ्री फ्लो करेंगे, यानी वो फ्री फ्लो करेंगे, तब फ्लो करेंगे अगर हम उसको किसी सोर्स से जोड़ दें। तो एक सोर्स का मतलब है कि हम बैटरी से जोड़ दें। अब यहाँ पर जो बैटरी की बात हम कर रहे हैं वो ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बैटरी आखिरकार होता क्या है, बैटरी या सेल। तो सेल या बैटरी जनरली क्या है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें जो है दो टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस, और यहाँ पर जो है चार्ज फ्लो करते हैं, और चार्ज फ्लो करने से ये एक एनर्जी देता है। यानी जनरली हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है ये जो हमारे को क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमें मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि हम उसमें सर्किट में जो भी हमको आउटपुट लेना है हम वो ले सकें। तो ये जो सेल है ये बेसिकली एक एनर्जी कैरियर है, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एक, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इस पे थोड़ा बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आखिर क्या है, कैसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जानेंगे, किसी सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक सर्किट में एक सेल लगा हुआ है, अगर इस सर्किट में अभी हम देख रहे हैं कि कोई की नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर कोई की नहीं है, तो ये सर्किट क्लोज है, या हम ये कह सकते हैं अगर ये ऑफ है तो ऑफ सर्किट में यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस समय इसमें जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको हम ईएमएफ बोलेंगे, यानी किसी भी बंद परिपथ के लिए जो भी सेल की ऊर्जा होगी, इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, इसमें जो संचित ऊर्जा होगी, उसका जो मान होगा, उसका जो नाम होगा, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। तो यहां तक आप एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसको आप ऐसा देखिए कि एक सेल है, सेल को हमने किसी सर्किट में जोड़ा है, तो जब सेल को हम किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सेल करता क्या है। तो जैसे कि एक टर्मिनल ये है, मान लीजिए इसका प्लस टर्मिनल, और एक टर्मिनल ये है, मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस है? तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जब आवेश फ्लो करते हैं तो वो फ्लो करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन उन्हें करना पड़ता है, यानी कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी आवेश को फ्लो करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो जो कार्य होता है वो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी जनरली ईएमएफ बराबर क्या हो गया, वर्क डन बाय द चार्ज। ऐसा कह लीजिए कि किसी धनावेश के द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जो वो कार्य करता है या जो वर्क करता है, वही अमाउंट उसकी क्या होती है, विद्युत वाहक बल। इतना आपको क्लियर हुआ? फिर से देखिए कि यहां पर जो भी आवेश होंगे, वो जो आवेश हैं, वो आवेश जब फ्लो करेंगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, तो वहां पर फ्लो करते समय डेफिनेटली यहाँ पर जो इसमें स्टोर्ड एनर्जी है वो एनर्जी किस में बदलेगी, वर्क डन में। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, या इस आवेश ने जो कार्य किया एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने में, वही जो अमाउंट होगी वो विद्युत वाहक बल होगी। ठीक है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, जैसे हम देख सकते हैं कार्य को हम मेजर करते हैं जूल से, और हम आवेश को मेजर करते हैं कूलाम से, तो ये हो गया जूल पर कूलाम। ठीक है, इतना क्लियर? यानी कि आपको सिंपल ये करना क्या है, ये देखना है कि किसी भी सेल में जो संचित ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, उसमें स्टोर्ड एनर्जी या उसकी स्थितिज ऊर्जा, या हम उसी का जो नाम यहाँ पर देंगे वो क्या देंगे, ईएमएफ, यानी विद्युत वाहक बल। तो इतना आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इसका जो रोल है वो क्या है। इसका रोल है कि किसी भी सर्किट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो बैटरी या जो सेल है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होनी चाहिए, और उस ऊर्जा का जो मान है वो मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम निकालेंगे कैसे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द चार्ज कैरियर। यानी आवेश जब फ्लो करेंगे तो फ्लो करते समय वो जो भी कार्य करेंगे उस कार्य की जो गणना होगी वो किस रूप में होगी, ईएमएफ के रूप में। इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इसको हमने जूल पर कूलाम लिया, इसको हम बोल्ट भी कहते हैं, बोल्ट इसकी इकाई है, SI जो मात्रक है इसका वो क्या है, बोल्ट। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक बोल्ट जो विद्युत वाहक बल है, या एक बोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विद्युत वाहक बल है, वो एक कूलाम आवेश द्वारा एक जूल कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि एक कूलाम आवेश द्वारा अगर एक जूल का वर्क डन किया जाए, एक जूल का वर्क डन हो, तो उसकी जो मात्रा होगी, यानी उस सेल का जो वोल्टेज होगा उस समय, वो क्या होगा, 1 वोल्ट। यानी एक बोल्ट वह विद्युत वाहक बल है या वह विभवांतर है जो एक कूलाम आवेश द्वारा एक जूल कार्य करने में खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक बोल्ट की परिभाषा ये निकल के आई कि हम क्या करेंगे कि किसी भी सेल में उपस्थित आवेश
से 1 कूलम है और वो 1 जूल का कार्य करते हैं, तो वहां पर जो ईएमएफ होगा उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे एलाबोरेट करेंगे, किसी भी सर्किट में ये क्या करेगा। यानी यहां पर जो भी आपका ईएमएफ का सोर्स लगा है, जो भी सोर्स का मतलब है बैटरी है या सेल है, तो जो सेल है उससे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सेल में जब निकलेगी इस सेल से, तो इस सर्किट में वो कुछ कार्य करने के लिए प्रयुक्त होगी, है ना। अब वो कार्य किस रूप में करेगी, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नया जो टर्म आएगा, यही विद्युत वाहक बल, यहाँ पर जब हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, तो इसको ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई सर्किट है जिस सर्किट में एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा है, यहाँ पर मान लीजिए हमने ये एक की यूज कर ली, और यहाँ पर हम करंट मेजर कर रहे हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, करंट को एम्पियर से नापते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सर्किट है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये सर्किट ऑन होगा, ऑन की स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से जो भी एनर्जी का सोर्स है, जो ईएमएफ है, वो यहाँ से करंट प्रोड्यूस करेगा इस सर्किट को चलाने के लिए। और जब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब ये करंट जाएगी, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी करंट और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जब इस सर्किट में यहाँ पर कोई अपना रोल प्ले करेंगे, तो वो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर क्या हमने लगा रखा है, यहाँ पे आउटपुट लगाया था, जैसे कल भी दिखाया था, यहाँ पर कोई आउटपुट है, आउटपुट का मतलब है से यहाँ पर हमने बल्ब दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो नपेगा यहाँ पर, ये जो वी है इसको बोलते हैं वोल्टेज, यानी यहाँ पर नपेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं विभवांतर, विभव का अंतर, दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी, पीडी का मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो भी वोल्टेज का डिफरेंस है, यानी यहां से यहां तक जब उसने कार्य किया आवेश ने, तो यहां पर कितना कार्य था और यहां पर कितना कार्य हुआ, तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसका नाम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जैसे हमने पीछे के फॉर्मूले में पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो यहाँ पर ये जो W होगा वो dV हो जाएगा, dV बराबर dW अपॉन Q, यानी dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस टर्मिनल पे मान लीजिए वोल्टेज आपका V1 था, यहाँ पर V2 था, तो इनका जो डिफरेंस होगा V2 माइनस V1, ये या V1 माइनस V2 जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, dW बाई Q। तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल V आया किसके अक्रॉस, R के अक्रॉस, R के समांतर या R के साथ यहाँ पर मेजर हो रहा है V। यानी जैसे जैसे आपका R का मान चेंज होता जाएगा, यहाँ पर V का मान चेंज होता जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हम इस सोर्स से जो करंट ले रहे हैं वो करंट को अपोज करेगा R। ठीक है, तो I और R का जो वैल्यू होगा वो V पर डिपेंड करेगा, यानी V डिफाइन करेगा यहाँ पर R को, या V से हम डिफाइन करेंगे कि इस सर्किट में कितना आउटपुट हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप समझ गए, ये विभवांतर और ईएमएफ ऑलमोस्ट एक ही चीज है, ये आपको याद रखना है कि विभव, विभवांतर और ईएमएफ दोनों वोल्ट से नपते हैं, ये भी वोल्ट से नपता है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो ईएमएफ है ये स्टोर्ड एनर्जी है, और ये जो विभवांतर है ये तब पैदा होगा जब हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन याद करेंगे, यानी कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो विभवांतर होगा। यानी जब सर्किट आपका ऑन होगा तो सर्किट ऑन में मेजर क्या होगा, विभवांतर, और जब सर्किट क्लोज होगा तो उस समय ठीक है क्या होगा आपका, ईएमएफ। इसको आप फिर से समझ लीजिए, यानी जब सर्किट बंद होगा तो उस समय ईएमएफ होगा,
और जब सर्किट आपका हम स्टार्ट कर देंगे, ऑन कर देंगे, की को ऑन कर देंगे, तो उस समय वो वी के रूप में दिखाई देगा। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो एक नई डेफिनेशन आ रही है वो ये बता रही है कि वी आई और आर, यानी वी आई और आर, इन तीनों में आपस में कोई ना कोई इंटर रिलेशन है, इनमें कोई आपस में एक संबंध है। उस संबंध को सबसे पहले डिफाइन किया ओम ने। तो हम बात करेंगे ओम के नियम की, ठीक है? यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओम का नियम क्या है, यानी ओम ने क्या कहा। तो जैसे कि आप इस सर्किट देख रहे हो, मैं इस सर्किट को एक बार फिर से थोड़ा साफ से आपको बना के दिखा देता हूँ फिर से कि हम कर कह रहे हैं कि ओम क्या कह रहे हैं। ओम कह रहे हैं कि कोई भी एक चालक है, कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर हम उसको जोड़ दें किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से, यानी किसी वोल्टेज के सोर्स से अगर उसे जोड़ दें, तो क्या होगा? यानी यहां पर करंट फ्लो होगी। तो ये जो करंट फ्लो होगी इस चालक के थ्रू, यानी यहाँ पर एक चीज पहले से हम जानते हैं, यहाँ पे आर है। आर का मतलब है इस चालक की एक इनर्ट प्रॉपर्टी है, इसका अपना एक नेचर है कि वो यहाँ से आने वाली करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आई और आर एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए, यानी बहने वाली जो विद्युत धारा है किसी परिपथ में किसी चालक के थ्रू, वो कहीं ना कहीं इस आर के व्युत्क्रमानुपाती हुई। यानी किसी भी सर्किट में जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वन अपॉन आर के, क्योंकि वो उसका विरोध कर रहा है। यानी जैसे जैसे यहाँ से करंट का फ्लो हम बढ़ाएंगे तो ये आर उतना उसको अपोज करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने ये हुआ कहाँ से, करंट आई कहाँ से थी, थ्रू द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी से आई थी ना। तो इसका जो रोल होगा वो क्या होगा यहाँ पे, उसका रोल ये होगा कि जब वो किसी सर्किट में करंट फ्लो कराएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जो भी एक टाइम में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी जो है क्या होगा यहाँ पर, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के समानुपाती होंगे। जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से बढ़ेगा। यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ पर जितना ज्यादा वर्क डन यहाँ पर होगा उतनी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे ज्यादा फ्लो होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी और आई एक दूसरे के समानुपाती हो गए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिला दें तो ये इक्वेशन बनती है क्या, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आर। ठीक है? अगर हम इसको रिप्लेस कर दें साइन ऑफ प्रोपोर्शन को तो ये हो गया आपका, सॉरी यहां पर हमने इसको अगर दोनों को मिला दें किसी कांस्टेंट से तो ये हो गया आपका वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है? इसका गुणा इधर हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, तो वी इज इक्वल टू आई आर। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन लगाया है वो आप समझ लीजिए कि ये जो आर है, आर की वैल्यू एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पर हम लेंगे। कांस्टेंट का मतलब है एक टाइम के लिए किसी भी चालक के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट ले लेंगे, मान लीजिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अगर हमको रेजिस्टेंस वेरी करना है तो हम यहाँ पर एक अलग से धारा नियंत्रक लगा देंगे जिससे कि हम रेजिस्टेंस का मान चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको निकल के आया कि वी और आई में जो संबंध आया वो क्या आया, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, और ये ओम का नियम है। यानी ओम क्या कहता है कि किसी भी चालक में जो बहने वाली विद्युत धारा है वो क्या है, पोटेंशियल के समानुपाती है। बशर्ते कि यहाँ पर क्या है कि जो चालक आपने लिया है उसकी जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल कंडीशन है, यानी जैसे वहां पर टेम्परेचर है या उसकी जो वॉल्यूम है या वहां पर जो प्रेशर है वो चेंज ना हो। तो फिजिकल कंडीशन का मतलब है भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं अगर हमारे पास स्थिर रहें किसी भी चालक की, यानी वो ना बदले, कांस्टेंट हो, वो ना बदले, तो क्या होगा, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगी। या इसको आप ऐसा कह सकते हैं वाइस वर्सा कि जो विभवांतर है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो
आई के समानुपाती होगा। आई का मतलब करंट के, विद्युत धारा के। तो विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होंगे, और जब हम इन दोनों रिलेशंस को मिला देंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर लीजिए कि ये कह क्या रहा है एक्चुअली में। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सिंपल सी बात है। हमने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कहा। तो ये जो ओम कह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि विभवांतर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है, या हमने इसको ऐसे लिखा V इज इक्वल टू I इंटू R। हम कह रहे हैं ये यूनिवर्सल लॉ है, यानी ये कहीं ना कहीं उन नियमों का पालन करता है जहां पर हम, यूनिवर्सल का मतलब है हर फैक्ट्स को हम उस तरफ वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर ये एक यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि V और I एक जैसा व्यवहार करेंगे बशर्ते कि R का मान स्थिर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ्स के द्वारा V और I को देखें, V और I को हम ग्राफ से देखें, यानी कहने का मतलब है कि एक टेबल बना लें, उस टेबल में हम ये देखें कि हमने V और I का मान मेजर किया, तो हमें क्या पता चलेगा R, उस सर्किट में R कितना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 वोल्ट का कोई एक बैटरी लिया या कोई सेल लिया, उस समय मान लीजिए हमको करंट, कुछ करंट मिली, मान लीजिए 0.5 एम्पियर मिली हमें करंट। तो यहाँ पर जो R होगा वो क्या होगा, V बटे I। इस फॉर्मूले से आप देखिए V बटे I क्या मेजर करेगा आपका, R। तो हम अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये 2 1.5 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमने 2.5 वोल्ट लिया, ये मान लीजिए आपका अब 1 हो गया, 1 एम्पियर। इसी तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमने 3 लिया, फिर ये कुछ और कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे हम एक प्रैक्टिकली अगर करके भी देखें लैब में, अभी हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम प्रैक्टिकली जब भी प्रैक्टिकल को हम करते हैं लैब सेशन में, तो उस समय हम ये देख लेते हैं कि अलग अलग वोल्टेज पे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग करंट के मान मेजर होते हैं। तो अगर इन दोनों को हम किसी ग्राफ से देखें तो ग्राफिकली ये दिखाता है कि अगर हमने इधर करंट की वैल्यूज ले ली, इधर वोल्टेज ले ली, तो आप देख रहे होंगे कि ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, इस तरह से ये बढ़ा तो ये बढ़ा, यानी इनकी वैल्यूज में जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने यहाँ आई लिया, आई की वैल्यू 0.5 से शुरू कर देते हैं, 0.5 लिया, 1 लिया, 1.5 लिया, 2 लिया, ऐसे। इसी तरह से हमने मान लीजिए यहाँ लिया 2, 2.5, 3, 3.5। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों का, इसको एक्स एक्सिस पे ले लें, इसको वाई एक्सिस पे ले लें, तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएंगी, बिल्कुल वैल्यूज क्या आएंगी, एक दूसरे के बिल्कुल सामने ही आ जाएंगी। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म लाइन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चला कि V और I का जो मान है वो लगभग एक यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट है, जो क्या मेजर करेगा, I। यानी अगर हम इसको ग्राफिकली देख रहे हैं तो V और I का जो मान है वो क्या निकल के आया, V बटे I बराबर R। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि अभी हमने क्या, पहले तो हमें प्रतिरोध को जाना, फिर उस प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हमने ओम के नियम को जाना। ओम के नियम से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किसी भी परिपथ में बहने वाला जो विद्युत धारा है वो उसमें विभवांतर के समानुपाती होता है, या हम ऐसा कह लें कि V इज इक्वल टू आई आर। और उस R को ज्ञात करने के लिए, अज्ञात रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए, हमने V और I में एक रिलेशन से देखा कि एक यूनिफॉर्म लाइन यहाँ पर आती है। यानी ये लाइन जो है, ये सीधी लाइन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन है, जो क्या मेजर करती है, R, V बटे I। तो यहाँ तक आपको क्लियर, तो ये चीज को आप ध्यान रखना है कि हम कैसे जो है मेजर करेंगे V और I को, और उससे हम कैसे ज्ञात करेंगे उस सर्किट में लगे हुए प्रतिरोध को। तो यहाँ पर हमने ओम के नियम को प्रैक्टिकली भी ड्रॉ करने की कोशिश की, और इसको लैब सेशन में हम अच्छे से कर सकते हैं।